नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई पर। दोस्तों, आर्मी स्कूल के लिए 136 पब्लिक स्कूलों में टीचर की वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या योग्यता है, कैसे इसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 136 आर्मी पब्लिक स्कूल में, जो कि ओवरऑल इंडिया में 136 जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उनमें ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो 8700 है और ये वैकेंसी जो है वो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES के माध्यम से कराई जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला जो स्टेज है वो स्क्रीनिंग एग्जाम के तहत होगा, दूसरा स्टेज इंटरव्यू और तीसरा स्टेज जो है एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें अब मैं बात करता हूँ कि इसमें किस तरह के पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन इसमें PGT, TGT और PRT के लिए रखा गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन, ये तीनों तरह के पोस्ट हैं, जिनमें कि प्रोफेशनल आपका BEd और BEd ही सभी में होना चाहिए। और जो लास्ट वाला PRT है उसमें आपको 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या BEd होना चाहिए। यदि आप डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में भी किए हैं 2 साल का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BEd है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए कम से कम 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और उनके लिए एज जो रखा गया है 57 ईयर तक रखा गया है, और इन केस ऑफ दिल्ली DSEA & R के तहत। और जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उसमें 40 ईयर रखा गया है, उनको 40 ईयर तक इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य माना गया है, जो कि इन केस ऑफ दिल्ली स्कूल इन कैंडिडेट शुड बी एन एज ब्रैकेट एज पर DSEA & R। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें CTET और TET पास उम्मीदवारों की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि आप CTET और TET पास किए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जाम फी की। तो इसमें आपको एग्जाम फी ₹385 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 19-20 फरवरी को होने जा रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन मेथड ऑनलाइन ही है, सब कुछ इसमें ऑनलाइन ही होगा आपका। तो दोस्तों, इस तरह के एग्जाम सेंटर इंडिया के ऑल ओवर जगहों पर रखा गया है, और मॉक टेस्ट भी होगा, जो कि 1 फरवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि एडमिट कार्ड आप इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक स्टार्ट हो चुका है, और अवेलेबल एडमिट कार्ड का जो है 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके इस वेबसाइट पर, जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। एग्जामिनेशन जो है 19 और 20 फरवरी को, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 28 फरवरी को जो रिजल्ट है उसका पब्लिश कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें सब कुछ नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाकर इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में यदि कुछ भी पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।